4 नवंबर 1985 वॉयेजर 2 यूरेनस को अप्रोच करते हुए प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहा था। वॉयेजर 2 पहली और आखिरी स्पेसक्राफ्ट थी जो यूरेनस से फ्लाई बाय कर रहा था। वॉयेजर 2 ने यूरेनस की 7000 फोटोग्राफ्स और ढेर सारे डेटा को हमसे शेयर किया, जिसने यूरेनस पे कई नई डिस्कवरीज करने में हमारी मदद करी। 10 नए मून्स को डिस्कवर करने के साथ साथ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और एक्सट्रीम टेम्परेचर भी पहली बार देखने को मिले थे। इतनी सारी डिस्कवरीज करने के बावजूद यूरेनस की फोटोग्राफ देखने पर टर्कोइज रंग का ये प्लैनेट पूरी तरह से फीचरलेस और बोरिंग दिख रहा था। इस एक्सप्लोरेशन के 34 साल के बाद साइंटिस्ट की एक टीम जब यूरेनस के डेटा को दोबारा एनालाइज करने लगी तो उनको कुछ ऐसा दिखा जो इतने सालों में किसी ने कभी नोटिस नहीं किया था। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, कुछ ऐसा प्रोसेस जो अर्थ पे भी देखने को मिलता है। इसको देखने के बाद कई साइंटिस्ट इतने एक्साइटेड हो गए कि वो नासा को एक बार फिर से यूरेनस पर स्पेस प्रोब भेजने की रिक्वेस्ट करने लगे। इस नई खोज के बारे में हम जाने उससे पहले वॉयेजर 2 द्वारा यूरेनस पे करी गई कुछ अहम डिस्कवरीज को जानना जरूरी है, तो आइए दोस्तों पहले इनको देख लेते हैं। दोस्तों यूरेनस की रोटेशनल एक्सिस लगभग 90 डिग्री पे होती है, मतलब कि यूरेनस साइडवेज स्पिन करता है। सन को ऑर्बिट करते टाइम ऐसा लगता है मानो कोई बॉल रोल कर रही हो। यूरेनस की इस यूनिक सी एक्सियल टिल्ट के बारे में हमें पहले से मालूम था, लेकिन इस तरह के रोटेशन का प्लैनेट पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा ये वॉयेजर 2 के ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चला। दोस्तों यूरेनस सूरज से 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, मतलब कि ये अर्थ के कंपैरिजन में सन से 19 गुना ज्यादा दूर है। इतनी दूरी होने की वजह से यूरेनस को सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल का वक्त लग जाता है, यानी एक यूरेनियन ईयर 84 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। यूरेनस के यूनिक एक्सियल टिल्ट के कारण वॉयेजर 2 ने ऑब्जर्व किया कि यूरेनियन ईयर का एक क्वार्टर मतलब कि 21 साल तक प्लैनेट के एक पोल पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिससे दूसरा हाफ पूरे 21 साल तक कंप्लीट डार्कनेस में रहता है। इतने एक्सट्रीम सीजन्स के वजह से और कुछ और कारणों के वजह से यूरेनस प्लैनेट बहुत ठंडा होता है। यूरेनस के डेटा से पता चलता है कि यहाँ टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। इतना कम टेम्परेचर सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पे आज तक नहीं देखा गया, यहाँ तक कि आउटर मोस्ट प्लैनेट नेपट्यून भी इतना ठंडा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में दो आइस जायंट्स हैं, नेपट्यून और यूरेनस। यूरेनस का 80% से ज्यादा मास आइसी मटेरियल्स के डेंस फ्लूइड जैसे कि वाटर, मेथेन और अमोनिया से बना होता है। इनफैक्ट यूरेनस का पूरा एटमॉस्फेयर बाकी के गैस जायंट्स की तरह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना होता है। यूरेनस का ब्लू ग्रीन कलर एटमॉस्फेयर में मेथेन के प्रेजेंस की वजह से ही होता है, जहां मेथेन सनलाइट की रेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेता है लेकिन ब्लू वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। वॉयेजर 2 को यूरेनस के एटमॉस्फेयर में कुछ क्लाउड्स और हल्के डार्क स्पॉट्स के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। इसका पूरा का पूरा सरफेस एकदम फीचरलेस और बोरिंग दिख रहा था, ये बस ऐसा दिख ही रहा था, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको खुद ही पता चलने वाला है। दोस्तों यूरेनस को लेकर वॉयेजर 2 की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना। जब वॉयेजर 2 यूरेनस के पास फ्लाई कर रहा था तो उस पे इंस्टॉल्ड मैग्नेटोमीटर यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। 2019 में साइंटिस्ट की एक टीम ने जब इस डेटा को दोबारा से देखा तो उनको मैग्नेटोमीटर के ग्राफ में 60 सेकंड्स के ड्यूरेशन के लिए एक स्पाइक दिखा, यानी कि 60 सेकंड्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में ये टेम्पररी स्पाइक प्लाज्मोइड्स के प्रेजेंस की वजह से आया था। अब आप पूछेंगे कि ये प्लाज्मोइड्स होते क्या हैं? दोस्तों प्लाज्मोइड्स जायंट मैग्नेटिक बबल्स होते हैं जिनके अंदर आयनाइज्ड गैस या फिर प्लाज्मा ट्रैप्ड होता है। ये प्लाज्मोइड्स प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से आयनाइज्ड पार्टिकल को स्पेस में लेकर चले जाते हैं। जब वॉयेजर 2 ने यूरेनस को विजिट किया था तो जाने अनजाने में उसका एनकाउंटर प्लाज्मोइड्स से हुआ होगा, इसलिए मैग्नेटोमीटर के ग्राफ में उछाल देखने को मिला। क्योंकि प्लाज्मोइड्स एटमॉस्फेयर से मैटर को स्पेस में लेकर चले जाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि यूरेनस का एटमॉस्फेयर फ्रीक्वेंट प्लाज्मोइड्स के वजह से धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यूरेनस का एटमॉस्फेयर इतना भी फीचरलेस नहीं है, यहाँ प्लाज्मोइड्स के वजह से एटमॉस्फेयर में मूवमेंट देखने को मिलता है। हाँ ये अलग बात है कि ये मूवमेंट कितनी तेज और कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है ये अभी हमें पता नहीं है। ये हमें तभी पता चलेगा दोस्तों जब यूरेनस पे कोई स्पेस प्रोब दोबारा भेजा जाएगा। फ्रेंड्स प्लाज्मोइड्स के वजह से एटमॉस्फेयर का लीक होना कोई यूनिक फिनोमेना नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फिनोमेना सोलर सिस्टम के कई सारे प्लैनेट्स में देखने को मिलता है।
मिलता है इंक्लूडिंग अर्थ। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर का डिप्लेशन कुछ ही सालों में हो जाएगा। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है। तो चिल मारिए और इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, वॉयेजर 2 ने यूरेनस के साथ साथ नेपट्यून को भी एक्सप्लोर किया था, जिसके सरफेस पे एक बड़ा सा डार्क पैच भी पहली बार दिखा था। ये डार्क पैच एग्जैक्टली क्या है और वो कहां से आया है, इसे जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए दोस्तों। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।